आज लेकर आई हूँ एकदम क्रिस्पी करारे नमक पारे की रेसिपी और इन नमक पारों को बनाएंगे हम चावल के आटे से। और आने वाले फेस्टिवल सीजन में आप इन्हें बनाकर पहले से भी रख सकते हैं, 15 दिन तक ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। आप इन्हें टाइट कंटेनर में रखें, ना ही ये नरम पड़ेंगे और ना ही ये खराब होंगे। तो चलिए बनाते हैं एक कप चावल के आटे से ढेर सारे नमक पारे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे हम एक कप पानी और साथ में ही नमक भी डाल देंगे। और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें जीरा और 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल 1 से 2 चुटकी के बराबर डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चम्मच डालेंगे हम ऑयल और साथ में ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और अब अच्छा सा बॉयल आने देंगे पानी में। तो ये देखिए अच्छा बॉयल आ गया है पानी में। अब डालेंगे हम इसमें 1 कप ही चावल का आटा और बस हम इसे फटाफट से मिला देंगे। इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम एकदम मीडियम पे कर देंगे। पानी गर्म था, जैसे ही हमने चावल का आटा डाला वैसे ये पकने लगा, तो हमें इसे बिल्कुल एकदम चलाते रहना है। और ये देखिए चावल का आटा मैंने 1 मिनट ही इसे मिलाया है, मिक्स करा है और चावल का आटा जो है वो अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे 1 से 2 मिनट। और ये देखिए मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया, हल्का सा ठंडा हो गया है मगर अभी भी ये गर्म है। अब डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच बेसन और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये अभी भी गर्म है तो हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए कितना अच्छा डो की तरह तैयार हो गया है ये। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। अब हमें इसे बेलना है, तो हम जितनी पतली रोटी होती है उस तरह से हम इसे बेल लेंगे। अब मैंने एक फोक से इस तरह से इस पे निशान लगा लेंगे हम। बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इस तरह से नहीं नमक पारे की शेप में काट लिया है। तो बस अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब इसमें एक एक करके जितने पैन में आ जाएंगे उतने डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। जब तक ये ऊपर नहीं आते जब तक हम इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब ये ऊपर आने लगेंगे जब ही हम इनका साइड चेंज करेंगे, तो ये देखिए अब ये ऊपर आने लगे हैं। तो बस इनको अलटते पलटते हुए हम अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए इनमें अच्छा कलर आ गया है, ये एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। बस हम इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए ढेर सारे हमारे चटपटे नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं।